तो दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वह एक किसान और एक चिड़िया की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में फसल की बुआई कर दी। उसी खेत में एक चिड़िया आकर अपना घोंसला बना देती है। कुछ दिन बाद उस चिड़िया ने घोंसले में अंडे भी दिए। अंडे देने के कुछ ही दिन बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आए। धीरे धीरे उस किसान का फसल भी तैयार हो गया। अब फसल की कटाई का समय आ गया था। एक दिन किसान खेत में आया और बोला, मैं कुछ आदमियों को अपने खेत की कटाई के लिए कल ही भेज दूंगा, जो मेरे सारे फसल काट कर मेरे घर ला देंगे। इस बात को सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। मगर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों डरो नहीं, यह फसल कल नहीं कटेगी। अगले दिन चिड़िया की बात सही निकली, फसल की कटाई नहीं हुई। किसान फिर खेत में आया और उसने कहा, मैं अपने कुछ दोस्तों को कल भेजकर फसल को पक्का कटवा दूंगा। अब किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए और चिड़िया से बोले, अब हमें खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। चिड़िया ने बोला, कोई बात नहीं, कल भी हमें खेत छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन भी चिड़िया की बात सही हुई। किसान के दोस्त खेत की कटाई के लिए नहीं आए थे। जब किसान शाम को खेत पर आया तो उसने देखा कि उसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही थी। फसल को देखकर किसान ने कहा, मेरे कहने के बावजूद भी कोई मेरी फसल की कटाई के लिए नहीं आया। अब लगता है कल मेरे फसल की कटाई मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अब कल मैं खुद आऊंगा और अपने खेत की कटाई करूं। यह सुनते ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों अब हमें खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। तब बच्चों ने चिड़िया से पूछा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि हमें खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, इसीलिए उसका कार्य सही समय पर नहीं हुआ, लेकिन अब वह खुद ही अपना कार्य करेगा और सही समय पर कर लेगा। दोस्तों, इस तरह से उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर हम सिर्फ अपना समय नष्ट करते हैं।